करवाऊंगा मम्मी के साथ काम, लेकिन अब मैं सब 30 साल करूँगा और फिर मेरा दाखिला होगा, फिर मैं स्कूल जाऊंगा। सबसे अच्छी बेटी जो है ना वो यही है विस्मा, ऐसे नहीं, इधर देखो। मैं ही अच्छी हूँ। अभी देखना थोड़ी सी तारीफ कर दो इसकी, नानी अम्मा की, बस नानी अम्मा फिर शुरू हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफिया से होंगे। हम देखने वाले जामिरा खुश रहें और अल्लाह के फजल करम से हम भी खैर खरीत से हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह का टाइम है और विस्मा, महक, जैनब चले गए हैं स्कूल। अब मैं अकेली की अकेली बच गई हूँ, इसीलिए मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से अपना काम ख़त्म करते हैं, क्योंकि तैबा चुप करके बैठी हुई है अपने फूफो के पास, तो वक्त की नज़ाकत के लिए मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करते हैं, फिर तैबा को उठाएँगे। कपड़े वगैरह सब मैंने यहाँ पे धो के रख दिए हैं। अभी यहाँ पे मेरी कलीन भी पड़ी हुई है और प्लास्टिक भी वहाँ पे पड़ी हुई है, क्योंकि उस दिन 10 के की पार्टी की थी, फिर बारिशें शुरू हो गए, मैं धो नहीं सकी। कलीन तो वहाँ नहीं ले के जा सकते, और अभी मैं आपको कह रही हूँ जाके पीटर जाके देख के आओ चल रहा है नहीं चल रहा, प्लास्टिक तो जाके धो के रखूँ ताकि ये नहीं तो धूप के ऊपर टूट जाएगा, फट जाएगा। जी बिल्कुल, धूप के ऊपर ख़राब हो रहा है, ये भी बहुत दिनों का यहीं पे पड़ा हुआ है। मामी बहुत ज़्यादा बिजी थी इस वजह से, और कुछ तबीयत भी ख़राब थी जिसकी वजह से ये सब नहीं धो सकें। ये तो तकरीबन इसको एक मंथ होने वाला है, तकरीबन मंथ के करीब करीब होने वाला है। ये भी वैसे की पड़ी है, उसको 10-15 दिन हो गए, ये भी ऐसे की पड़ी हुई है। अभी जा रहा हूँ के देखता हूँ, यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा बोर देखने के लिए। अगर बोर चल रहा है तो इसे धोने के लिए आसानी हो जाएगी थोड़ी, और साफ़ सुथरी धूप जाएगी। तो अभी जाता हूँ देख के आता हूँ। यहाँ पे जितना भी धोना साफ सुथरा, इसमें से गोश्त की हवा नहीं जा रही, जो बकरे इतने हमने बिछाए था ना इसके अंदर वो घुस गई है। ये पीटर के बीच में डालेंगे, खाड़े के बीच में, उसके अंदर भी सर्फ डाल देंगे, फिर अच्छी तरीके से धुल जाएगा। इसलिए आप जाओ पता करो चल रहा है या नहीं चल रहा, फिर आके मुझे बताओ। चलें ठीक है। फटफटी जिंदाबाद, बारिश की वजह से रोड सारा जो है ना रास्ता वो ख़राब हुआ पड़ा है। तो यहाँ पर देखें अल्हम्दुलिल्लाह बारिशों के बाद कब्रिस्तान में भी लोग आ चुके हैं, चहल पहल हो चुकी है। और वैसे भी मुहर्रम है, मुहर्रम अल हराम के दिनों में लोग जो है ना अपनी कब्रों की संभाल लाजमी करते हैं, अगर पूरा साल ना करें तो। यहाँ पर यह है कि मुहर्रम अल हराम जब शुरू होता है तो लोग आते हैं अपने बड़ों की बुज़ुर्गों की कब्रें जो है ना वो उनको अच्छी तरह बना जाते हैं, अगर कुछ ख़राब हुई पड़ी होती हैं तो उनको बना के जाते हैं। तो मैं ये वाला रास्ता, वो भी सारा ख़राब हुआ पड़ा है, ये वाला रास्ता लेके जाऊंगा। ये रास्ता भी बारिश की वजह से सारा ख़राब हो चुका है। जब पहली बार गए थे तो ये रास्ता बहुत ही ज़बरदस्त रास्ता था, लेकिन आज ये देखें बारिश की वजह से सारा ये भी ख़राब हो चुका है। टीलिया के दूसरी जानब वो जो दरख्त नज़र आ रहे हैं उनके दूसरी जानब बोर है, वहाँ पर वो चलता है। तो जाके चेकआउट करते हैं, अगर चल रहा है तो फिर मामी के लिए जो कालीन है और वो जो प्लास्टिक है उसको धोने में आसानी हो जाएगी। फिर मैं पहुंच तो चुका हूं, लेकिन बोर मुझे लगता है नहीं चल रहा। उसकी वजह ये है कि जो प्लेटें हैं उनका मुंह दूसरी जानब है, सूरज की जानब नहीं है। अगर चल रही होती तो सूरज की जानब होता, ये एक बड़ी निशानी है। तो मुझे लगता है बोर नहीं चल रहा। मामी जी जी बोर नहीं चल रहा, बस हमारी किस्मत ख़राब है, क्योंकि जब जाके पता कराते हैं बोर चलता ही नहीं है। क्योंकि जब देखने के लिए गया हूँ ना तो प्लेटों का मुंह दूसरी जानब था, यानी कि जहाँ सूरज उतरता है उस जानब था। मतलब कल बोर चला है, आज चलेगा सही, लेकिन अभी जो वहाँ पे बुज़ुर्ग होता है ना चलाने के लिए वो नहीं था। शायद आ जाए थोड़ी देर तक, थोड़ी देर वेट करने के बाद फिर चेक करने के लिए जाएंगे। चलें ठीक है, फिर चेक करके आना, फिर देखते हैं, फिर चलेंगे। अभी मैं जाती हूँ तैबा को नहलाती हूँ, नहला के फिर इसको सुलाती हूँ, इसकी तैयारी करवा के। हाँ बेचारी को बहुत गर्मी लगी हुई। तैबा इधर देखो, किसी की तरफ नहीं देखेगी अब। अब बस इसने नहाना है। पहले लाइट खड़ी रही, जब तैबा को नहलाने की बारी आई तो लाइट भी चली गई। अभी मामी बाल्टी भरवा के तो बीच में गिलास रख लिया, हाँ उससे नहलाएंगी। तैबा नहाना है, इधर देखो हमारी प्यारी गुड़िया नहा के आ चुकी है। अभी काजल वगैरह और कंघी वगैरह मामी कर रही है, और ग्रेप वाटर और जो चीज़ें इसकी ग्रोथ के लिए होती हैं वो इसको देगी अब तैयार करके। हाँ इसको तैयार करके फिर इसको सब इसकी चीज़ें जो मैंने इसको पिलवानी है वो पी के फिर ये सो जाए। तैबा
और ये तब तबा की स्पेशल कंघी है, क्लोज भी हो जाती है। आपकी नहीं है, एक सेट आपकी, एक सेट तबा की। ओके हो गया, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, दोपहर की सब्जी लेके आए हैं जो कि हमारी मोस्ट फेवरेट सब्जी है, तूरियां। उसे ही हम लेके आए हैं आज, क्योंकि तूरियां ठंडी होती हैं गर्मियों में। मामू ज़्यादातर तूरियां ही खाते हैं और हमारे शहर से इजीली अवेलेबल भी हो जाती हैं और थोड़ी सस्ती भी होती हैं, तो इन्हें लाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, तो इसलिए हम यही लेके आते हैं। और मामी आज खुद ही बना रही है यहाँ पर बैठ कर, और साथ में तैबा को भी सुला दिया है, वो नींद हमें है, तो इसी गोल्डन पीरियड का फ़ायदा उठाते हुए मामी जो है ना ये सारा काम जी अल्हम्दुलिल्लाह घर का काम सब मैंने क्लोज कर दिया है। अभी बस ये मेरा आखिर काम रह गया है खाना बनाने का। बस अभी दोपहर का खाना तैयार करती हूँ, साथ साथ मुस्तफ़ा भी मेरे साथ बैठा हुआ है, वो उसने भी आज मेरे साथ बहुत हेल्प की क्योंकि मैं इसको सुला रही थी और मुझे टोकरियाँ वगैरह उठा के दी है, अभी अपना खा रहा है लेज। हाँ मुस्तफ़ा, काम करवाना है आज क्योंकि आपकी बहनें तो है नहीं, वो तो स्कूल गई हुई हैं। हाँ मैं करवाऊंगा मम्मी के साथ काम, लेकिन अब मैं करूँगा और फिर मेरा टैग लाऊंगा, फिर मैं स्कूल जाऊंगा। पक्का? माशाल्लाह जी, चलें भी इसका भी दाखला करवाते हैं क्योंकि इसकी एज 5 साल से ज़्यादा हो गई है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी यूनिफॉर्म वगैरह हर चीज़ लेके आते हैं और आपको भी स्कूल छोड़ के आएंगे, ठीक है। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मामी ने सालन चढ़ा लिया है, लेकिन अभी इस वक्त सालन कौन बना रहा है वो सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, यानी कि विस्मा। विस्मा अभी अभी स्कूल से वापस आई है, आते ही अपनी अम्मा को भगा दिया बाहर, आप गर्मी में बैठी हो, मैं आ गई हूँ, सारा दिन तो अकेले काम करती है। हाँ स्कूल से आते ही, सबसे अच्छी बेटी जो है ना वो यही है विस्मा, ऐसे नहीं, इधर देखो मैं ही अच्छी हूँ। अभी देखना थोड़ी सी तारीफ कर दो इसकी नानी अम्मा की, बस नानी अम्मा फिर शुरू हो जाती है, ऐसे नहीं नानी अम्मा, क्या तारीफ तारीफ के काबिल नहीं होते इसे आप लोग करते हो। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, सालन हमारा तैयार होने वाला और भूख भी बहुत जोर की लगी हुई है, सालन को देखने के लिए आया था, तो अभी चल के देखते हैं पता नहीं रोटियां बनी है कि नहीं बनी, पता नहीं बन गई होंगी। हाँ बन गई हैं, रोटियां भी बन चुकी हैं हमारी, बस जल्दी जल्दी सालन बनाओ विस्मा। मामी भी आ गई है जी सालन चेक करने के लिए, सालन ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। इधर देखो विस्मा, गर्मी है? नहीं, एहसास हो रहा है अब गर्मी का? नहीं, गर्मी और सर्दी तो दोनों बंदा सह लेता है, बस इंसान ना शुक्रा होता है, दोनों इंसान नहीं सहते, ये सच बात है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना फैमिली तौर पर बन गया है, सालन जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया और कढ़ाई भी खाली हो गई है, सब का डाल के मामी ने रख लिया है, यहाँ पे भी और भी डाल के रख रही हैं। कढ़ाई इसलिए खाली हो गई क्योंकि प्लेटों में आ गया सालन। हाँ प्लेटों में सर, ये 3 किलो तुरैया थी, 1, 2, 3, 4, 5, बाकी सबको दे दिया? नहीं अभी जाएगी सबके पास, तो खत्म भी हो गया। हाँ तो बस 3 किलो तूरी थी, 1 किलो प्याज थे, यही सालन है, तूरियाँ बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती हैं। अच्छा चलो जाना, ले जाओ ये सालन बाहर दे दो सबको। अभी जैनब सबको खाना देने के लिए जा रही है और सब ये सारा ख़राब हुआ पड़ा था, रास्ता नहीं था, हमारे पड़ोसी ने थोड़ा सा यहाँ पर जो ना मिट्टी डाल दिए, इसे थोड़ा सा कवर अप कर दिए ताकि वो जो दरख्त है उनका गिरने वाला था, तो अभी थोड़ा बहुत कवर अप हो गया है, बाकी ट्रैक्टर हम लगाएंगे वो सारा इसको कवर अप कर देंगे मिट्टी सारी, और रास्ता भी यहीं से बनवाएंगे क्योंकि उधर से बाइक जो है ना अब नहीं जा सकती जी। अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी सब ने खा लिया और मामू भी वापस आ गए हैं, मामू गए हुए थे कहीं काम, मामी ने खाना सबको दे दिया, मामू को खाना दे दिया, बच्चा ही नहीं है ना, चलो आज खा के आए होंगे कहीं ना कहीं से। सब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कोई बात नहीं है शाम में खा लूंगा, अगर इस टाइम पर तक तो बच गया हूं तो शाम तक भी बच जाऊंगा इंशाल्लाह। खा के आए होंगे, नहीं तो अभी मामी की खैर ना होती। मैंने खाना नहीं खाया है वहां पे, मैंने ना तो मूंगर में उसके लिए डाल के मैंने रख दिया है। हां बिल्कुल, ये देखें यहां पे डाल के, और ये रोटी पड़ी है मामू की पड़ी है। खोल के दिखाओ ताकि मेरे बहन भाई फेंक ना समझे कि हां हां ये देखो ये सालन रखा नहीं है, रखा हुआ है, रखा हुआ है। अभी तो कह रही थी कुछ नहीं है, उसे पता है ना कि रखा हुआ होगा, ऐसे ही कह रहे हैं। जी बस अब आ गए, इनको खाना भी दे दिया, इसको खाना अपने हाथ से खिलाऊंगी,
और पूछते हैं आज का दिन कैसा रहा, आप कहीं गए हुए थे? आप अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि काम जो काम किया था इंशाल्लाह हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप सब को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।